गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन है एंट्रेंस और मेरिट बेसिस पे उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स के एक्सटेंशन के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे जो मेरिट बेसिस पे ईसीए कैटेगरी के थ्रू एडमिशन होना है उस कैटेगरी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी क्या है, उसके अंदर कितनी एक्टिविटीज लिस्टेड है और उसमें एडमिशन प्रोसेस कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डेट्स के एक्सटेंशन के बारे में। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस बेसिस पे जो यूजी पीजी एडमिशन होने हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स एक्सटेंड हुई है वो है 31 जुलाई तक, और मेरिट बेसिस पे जो यूजी पीजी एडमिशन होने हैं उनकी रजिस्ट्रेशन डेट्स एक्सटेंड हुई है 31 अगस्त तक। यूजी पीजी जो एडमिशन होना है एंट्रेंस बेसिस पे उसका जो एग्जामिनेशन है वो एनटीए कंडक्ट करा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि 6 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में कंडक्ट कराएगा, और मेरिट बेसिस का जो अभी रजिस्ट्रेशन डेट्स एक्सटेंड हुए हैं 31 अगस्त तक। तो यही एक कंफ्यूजन था एंट्रेंस और मेरिट बेसिस के रजिस्ट्रेशन डेट्स के एक्सटेंशन के बारे में। तो जो एंट्रेंस बेसिस पे है उसका डेट्स एक्सटेंड हुए हैं 31 जुलाई तक, और जो मेरिट बेसिस पे एडमिशन होने हैं उसके रजिस्ट्रेशन डेट्स एक्सटेंड हुए हैं 31 अगस्त तक। अब बात करते हैं मेरिट बेसिस पे जो ईसीए कैटेगरी के थ्रू एडमिशन होना है वो उस कैटेगरी के बारे में। तो सबसे पहले ईसीए कैटेगरी के फुल फॉर्म को जानते हैं। ईसीए कैटेगरी का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के तरफ से ऑफिशियल 14 एक्टिविटीज लिस्टेड हैं। काफी अभी न्यूज में था, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसके थ्रू एडमिशन लेने से मना कर दिया था पैंडेमिक सिचुएशन के कारण, जो हमारी कोविड सिचुएशन चल रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अब कई पिटीशन फाइल की गई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल रात को ही अपना नोटिफिकेशन में इसके कैटेगरी के बारे में एडमिशन प्रोसेस पूरा बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि इसके थ्रू स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं मेरिट बेसिस में। तो बात की हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे फुल फॉर्म जो ईसीए है। अब बात करते हैं इसके अंदर में कौन से लिस्टेड एक्टिविटीज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बताई हैं। तो सबसे पहले जो 14 लिस्टेड एक्टिविटीज हैं, डांस है, योगा है, म्यूजिक है, म्यूजिक इंडियन है, वेस्टर्न है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, डांस इंडियन क्लासिक दोनों है, डिबेट है, क्विज है, थिएटर है, फाइन आर्ट्स है, और एनसीसी है और एनएसएस है, और एक क्विज है। इस तरीके से हमारी 14 लिस्टेड एक्टिविटीज हैं जो ईसीए कैटेगरी के अंदर में आती हैं। कई यूनिवर्सिटी हैं जिसमें एनसीसी का एनएसएस का अलग से कोटा होता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन सारी एक्टिविटीज को एक ही कैटेगरी के अंदर समराइज कर दिया गया है जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब बात करते हैं इसमें एडमिशन प्रोसेस की। तो इसमें एडमिशन के लिए फर्स्ट स्टेप है आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसमें 100 मार्क्स की मार्किंग स्कीम है। उस 100 मार्क्स के बेसिस पे आपको 20 मार्क्स स्टूडेंट को स्कोर करना होगा मेरिट की फाइनल लिस्ट में एलिजिबल होने के लिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो क्या सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हैं इसी कैटेगरी में। यस, वो स्टूडेंट भी इसी कैटेगरी में वापस से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने फॉर्म को एडिट करके, लेकिन उस फॉर्म को एडिट करने के लिए 100 रुपीज की फीस आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपना एडमिशन इसी कैटेगरी के थ्रू कर सकते हैं एडिट करके। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कितने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे और साथ ही साथ कितने कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईसीए कैटेगरी में आपको 5 सर्टिफिकेट आपके अपने बेस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, और ईसीए कैटेगरी में जो एक्टिविटीज लिस्टेड हैं उसमें से कोई 3 एक्टिविटीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप डांस में अच्छे हैं, म्यूजिक में अच्छे हैं, डिबेट में अच्छे हैं, लेकिन आप साथ ही साथ क्विज में भी अच्छे हैं, तो आप 4 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, किसी 3 के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसमें आप बेस्ट हैं और आपने उसमें से किसमें सर्टिफिकेट्स में बेस्ट स्कोर किया है। तो अब बात करते हैं जो 5 सर्टिफिकेट हमको अपलोड करने हैं वो सर्टिफिकेट आपको कैसे अचीव होने चाहिए, मतलब कि कौन सी डेट्स होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो आपको 5 सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, या 5 से कम भी आप कर सकते हैं, जितने भी सर्टिफिकेट हैं मैक्सिमम 5 दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है, तो वो आपको अचीव आपके पास होने चाहिए 1 मई 2017 से लेकर के 30 अप्रैल 2020 तक। यस, 1 मई 2017 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक। अगर इसके पहले आपका सर्टिफिकेट है, यानी 1 मई के पहले, तो वो एक अनडेटेड सर्टिफिकेट है, यानी कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए के मेरिट बेसिस पे जो ईसीए कैटेगरी के थ्रू एडमिशन होना है उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ कहा है अगर 1 मई 2017 के पहले आपका कोई सर्टिफिकेट है तो वो अनडेटेड सर्टिफिकेट माना जाएगा। तो बात की हमने ईसीए कैटेगरी के बारे में, कैसे इसमें क्या ये कैटेगरी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज लिस्टेड हैं, कैसे इसमें एडमिशन होना है, आपको अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, 100 मार्क्स का ये सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन होगा जिसमें आपको 20 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने होंगे अपने फाइनल मेरिट लिस्ट में एलिजिबल होने के लिए।
अब बात करते हैं जो 100 मार्क्स को उसको कैसे डिवाइड किया गया है सर्टिफिकेट के बेसिस पे, कौन जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सबसे पहला सर्टिफिकेट है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। अगर आप इनमें से किसी भी एक्टिविटी स्किल्स के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया होगा, तो वो सर्टिफिकेट आप अपना अपलोड कर सकते हैं जिसके मार्क्स, जिसका मैक्सिमम मार्क्स है 44 मार्क्स मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद तो आप इवैल्यूएशन के बाद और स्क्रूटनी के बाद जितना भी आप स्कोर करेंगे। सेकेंड जो सर्टिफिकेट है वो है हमारा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, या कहीं आपने एग्जामिनेशन दिया हो। तो इतने लिस्टेड एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज में अगर आपने इन एक्टिविटीज पे कहीं आपने ट्रेनिंग की है या कहीं आपने एग्जाम दिया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं, जिसका मैक्सिमम मार्क्स है 28। इस 28 मार्क्स के बेसिस में आप जितना भी स्कोर करें, मैक्सिमम 28 मार्क्स है। अब थर्ड है हमारा वर्कशॉप सर्टिफिकेट। इन एक्टिविटीज में जिसमें भी आप हैं, अगर इनमें से किसी में आप अपने आपने वर्कशॉप किया हो तो वो सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके मैक्सिमम मार्क्स है आपका 16 मार्क्स के बेसिस मैक्सिमम है उस सर्टिफिकेट का। उसमें आप फिर जितना भी स्कोर करें वो आपकी मेरिट के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो मार्क्स तैयार होंगे। फोर्थ जो है वो बात करते हैं, वो है परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जो आप अपलोड कर सकते हैं, या एग्जीबिशन सर्टिफिकेट, कहीं आपने एक्टिविटीज में जो भी जिसमें भी आप हैं उसमें कहीं आपने एग्जीबिशन में आपने पार्टिसिपेट किया तो वो एग्जीबिशन का सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं, जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 12। और सेम यही प्रोसेस है, 12 पर आप जितना स्कोर करेंगे वो आपका मेरिट के लिए तैयार होगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन डेट्स के एक्सटेंशन के बारे में, कि कैसे एंट्रेंस और मेरिट बेसिस के रजिस्ट्रेशन डेट्स एक्सटेंड की गई हैं। फिर बात की हमने ईसीए कैटेगरी के बारे में, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें लिस्टेड हैं और कैसे इसका एडमिशन प्रोसेस है। तो अगर आपको इनमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस या इस ईसीए कैटेगरीज के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनके लिए आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल हो सकता है।